नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई जानकारी देंगे। आज हम महिलाओं के बारे में बताएंगे, उन महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन महिलाओं के गर्भाशय में सूजन रहती है। जिन महिलाओं के गर्भाशय में सूजन है वे महिलाएं 50 ग्राम नीम के पत्ते ले लीजिए, 50 ग्राम संभालू के पत्ते ले लीजिए और एक चम्मच की मात्रा में सौंठ ले लीजिए और उसका अच्छी तरह से काढ़ा बना लीजिए। 1 लीटर पानी में डाल लीजिए और अच्छी तरह से उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद अपने गुप्तांगों को अच्छी तरह से उस पानी से साफ कीजिए। ऐसा आप लगातार करते हैं कुछ दिन तक तो आपके गर्भाशय की सूजन ठीक हो जाएगी। गर्भाशय की सूजन के लिए आप पानी की गर्म बोतल लीजिए और उस बोतल को अपने पेट पर रखकर अच्छी तरह से सिकाई करेंगे तो इससे भी गर्भाशय की सूजन ठीक हो जाती है। गर्भाशय की सूजन के लिए एक और उपाय है, आप इसके लिए रोगन बादाम ले लीजिए 1 चम्मच और शरबत बनस्पा आपको 3 चम्मच लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिश्री के पानी के साथ आप इसे लीजिए सुबह और शाम। आप लगातार ऐसा कुछ दिन तक लेते हैं तो गर्भाशय की सूजन ठीक हो जाती है। और आप इसके साथ एक और उपाय करते हैं, बादाम रोगन में रुई का पोहा भिगोकर गर्भाशय के मुँह पर रखते हैं तो सूजन और भी जल्दी ठीक हो जाती है। गर्भाशय की सूजन के लिए एक और उपाय है, रेवंद चीनी आती है, रेवंद चीनी को आप आधा आधा ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार पानी के साथ लेते हैं तो गर्भाशय की सूजन कुछ ही दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गर्भाशय की सूजन के लिए हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं, अगर आपको कोई भी दवाई ना मिले तो आपको ये दवाई बाजार में आसानी से मिल जाएगी और आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गर्भाशय की सूजन ठीक हो जाएगी। जिन महिलाओं के गर्भाशय में सूजन है आप इसके लिए बजूरी शरबत लेना, बजूरी शरबत 2 चम्मच की मात्रा में लेना और 1 कप पानी में डालकर रात को सोने से पहले आप रोज लेते हैं कम से कम 4 से 5 दिन लगातार तो आपके गर्भाशय की सूजन ठीक हो जाएगी। आपके गुर्दे में सूजन है तो वह भी ठीक हो जाएगी। पेशाब में जलन है तो वह भी ठीक हो जाएगी। पेशाब से संबंधित कोई और रोग है तो वह भी ठीक हो जाएंगे। तो आप इसका सेवन करते हैं तो आपके गर्भाशय की सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, औषधि जब ही काम करती है जब वह शुद्ध होती हैं। तो अगर आपको शुद्ध औषधियों के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारा नया चैनल जड़ी बूटी स्टोर को आज ही आप सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।